अमृतसर में इस वक्त हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जारी है और इस सम्मेलन में पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के मुद्दे पर सदस्य देशों से घिरा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर अपने देश में जारी आतंकी गतिविधियों को रोकने की सलाह दी, तो वहीं भारत ने भी खूब खरी खरी सुनाई और साफ किया कि न केवल आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है बल्कि उन्हें मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अब बच नहीं पाएगा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्कों से पाकिस्तान को मिलेगा माकूल जवाब। गुरु की नगरी अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों का बढ़ता आतंकवाद। मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव विल टू डिफीट टेरर नेटवर्क्स दैट कॉज ब्लडशेड And spread fear. बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भी इस सम्मेलन का एक सदस्य है और लंबे समय से पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को लेकर अस्थिर करने के आरोप लगते रहे। अफगानिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों के लिए वहां की सरकार हर बार पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती आई। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से अफगानिस्तान समेत बाकी देशों को बचाना है, लेकिन इस सम्मेलन में पाकिस्तान भी शिरकत कर रहा है, जो न केवल आतंकियों को पनाह देने बल्कि उसे पालने और पोषने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्कों में आतंकी गतिविधियों को मदद देता आया है। केवल अफगानिस्तान ही नहीं, भारत भी पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकियों से परेशान है। ये आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं और फिर पड़ोसी मुल्कों में आतंकी वारदातों को अंजाम देते आए। They would not last a month. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Mr. Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. तालिबान, अलकायदा और हक्कानी ग्रुप जैसे संगठन अफगानिस्तान में आतंकी वारदातों को दोहराते आए, तो भारत में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात उद दावा जैसे आतंकी संगठन वारदात करते हैं। हालांकि पाकिस्तान इन सबसे इनकार करता है, लेकिन हर बार उसकी पोल खुल जाती है। मस्ट बी बैक्ड बाय रिजोल्यूट एक्शन, नॉट जस्ट अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ टेररिज्म बट ऑल्सो अगेंस्ट दोज हु सपोर्ट शेल्टर ट्रेन एंड फाइनेंस देम। पाकिस्तान के सरजमी पर ऐसे आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं जिसे न केवल भारत बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल आतंकी करार दे रखा है। उसके ऊपर कई करोड़ के इनाम है। ये आतंकी न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में हार्ट ऑफ एशिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर घिरेगा। झूठ के सहारे दहशतगर्दी का खूनी खेल अब नहीं छुपने वाला। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या फिर द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से इनकार करता है। हर बार उसे इन हमलों के सबूत दिए जाते हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान ऐसे सबूतों को खारिज